जैसे टेंथ के बाद में चलता है एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस बराबर एल एच एस चलता है ना, देखा सुना होते हो ना, ये आगे जाकर कोई काम नहीं आते, लेकिन फिर भी हमको पढ़ाया जाता है, मानते हो सुन बात। दूसरा जैसे एस एस टी के अंदर बाबर भारत आया, उसने क्या किया, पृथ्वी गोल है या चपटी, हमें कोई मतलब नहीं ना उसी से आगे, लेकिन फिर भी हमें पढ़ाया जाता है। तो मैं यही सोचता था कि यार आगे जाकर के अगर मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो ये दो सब्जेक्ट पहले बाहर निकालूंगा, और पढ़ाई छोड़ने के पीछे दो ही दो सब्जेक्ट मेरे, तो मेरी बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है अगर आपका इंटरेस्ट है तो ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा था कि जब पढ़ते था मैं उस टाइम पर, मेरे साथ में ऐसा होता था, तो मेरे कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर आपको देने हैं, हाथ खड़े करेंगे जिनके साथ में ऐसा होता है। आप जैसे किताब को याद तो बहुत करते हो लेकिन कम वक्त किताब याद नहीं हो पाती, ऐसा किन किन के साथ में होता है? कोई नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, ऐसा किन किन स्टूडेंट के साथ में होता है कि एग्जाम की पूर्ण रूप से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम जो ही नजदीक आती है 1-2 दिन और पहले, हमें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मैंने जो याद किया वो सब कुछ मैं भूलता जा रहा हूँ, ऐसा किन किन के साथ में होता है? वेरी गुड, मतलब सारे मेरे जैसे साथी हो गया, अलग बदलाव नहीं है कुछ भी, आज भी वही पूछ। अच्छा, ऐसा किन किन स्टूडेंट के साथ में होता है कि आपने एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल के अंदर बैठे, ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन हल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, लेकिन चौथे में जाकर गाड़ी चली जाती है, आप सिर पकड़ते हो, याद नहीं आता, याद किया तो उस टाइम भी याद नहीं आता, लेकिन जो भी बात निकलते हो उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद आ जाता है, ऐसा किन किन साथ में? कठिन होते हैं और अपने याद नहीं करते, ये सोच लेते हैं कि एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है ना, लेकिन कम वक्त पेपर थमाते ही उसमें से 2-4 क्वेश्चन वही देखने को मिल जाते हैं जिनको हमने छोड़ा है। किन किन के साथ में होता है? कोई नहीं नहीं, मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं जानना चाह रहा था कि आपके साथ में भी ऐसा होता है कि बदलाव हुआ या नहीं हुआ, वही चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा किन किन स्टूडेंट के साथ में होता है कि जैसे एग्जाम आपके नज़दीक आ गई, ठीक है, लेकिन एग्जाम के कुछ टाइम में पहले, 1 दिन पहले कह सकते हैं, 2 दिन पहले कह सकते हैं, सिर में दर्द होना कम के साथ में होता है, लेकिन फिर मैं जानना चाह रहा हूँ, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, बुखार आना, समस्याओं का समाधान चाहते हो आप? सभी चाहते हैं, कितने स्टूडेंट चाहते हैं आप? सभी चाहते हैं इनका समाधान हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम आपके लिए 2 कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, एक का नाम है DMIT, जोर से बोलो, क्या नाम है? DMIT की फुल फॉर्म होती है रिमोटो प्रोफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। इसके अंदर होता क्या है, एक उंगली के 3 ग्रेड दिए जाते हैं, हाथ में कितनी उंगलियां हैं? दोनों हाथों में 10। यहाँ से करके होकर के सिंगापुर भेजे जाते हैं, वहाँ से 24 पेज की रिपोर्ट बनकर के आती है, डॉक्टर वैज्ञानिक उससे सर्च करते हैं, वहाँ से रिपोर्ट बनकर के आती है, उस रिपोर्ट के अंदर हमें 5 से 7 बार जो मेन चीज़ होती है वो पता चलती है कि हमारा ये जो माइंड है किस लिए बना है, किस क्षेत्र में आगे हम जाएंगे। एक तो ये, जैसे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, IAS, IPS, बिजनेस करेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे या राजनीतिक में जाएंगे, फर्स्ट, ठीक है। दूसरा निकल करके आता है कि हम टीचर्स और मदर फादर की कई हुई बातों को मन के अंदर गांठ तो नहीं मानते, ठीक है। तीसरा होता है कि अपना लर्निंग पैटर्न क्या है, यानी हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकता है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मेरा लर्निंग पैटर्न है, मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ तब मुझे ज़्यादा याद होता है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? किसी को पता है अपना लर्निंग पैटर्न है? किसी को पता नहीं है? तो इस रिपोर्ट में ये भी निकल करके आता है कि अपना लर्निंग पैटर्न क्या है, किसी को देखा हुआ ज़्यादा याद होता है, किसी को लिख लिख के याद करते हैं तब ज़्यादा याद होता है, और किसी को बोल जोर जोर से बोल करके याद करते हैं तब ज़्यादा याद होता है। तो इस रिपोर्ट में क्लियर ये भी निकल करके आता है कि अपना लर्निंग पैटर्न ये है, वो
और इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे तो हमको क्वेश्चन के आंसर अधिक से अधिक याद होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट होता है कि अपना ब्रेन के बारे में हमें पता चलता है, अपना माइंड कौन सा वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई बता सकता है अपने अंदर माइंड कितने होते हैं? हाथ खड़ा कीजिए अगर कोई बता सकता है। कि ये भी किसी को पता नहीं कि माइंड कितने होते हैं? अपने दोनों माइंड, यानी एक बार घुमाने के लिए कहा तो राइट वाले माइंड ने इशारा किया कि आपको लेफ्ट वाले हाथ को अंदर से बाहर घुमाना है, ठीक है। राइट वाले हाथ को जब कहा कि आपको बाहर से अंदर घुमाना है तो लेफ्ट वाले माइंड ने इशारा किया कि राइट वाले हाथ को अंदर से बाहर घुमाना है। लेकिन जब दोनों हाथों को मैंने आपसे अंदर बाहर घुमाने के लिए कहा तो अपना माइंड वही कंफ्यूज हो गया और माइंड ने कहा दोनों काम मेरे से एक साथ नहीं हो सकते, एक को इशारा करवा ले मैं एक ही कर पाऊंगा, ठीक है ना। इसी वजह से कंफ्यूज हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, अपना माइंड एक साथ में कई सारे काम कर सकता है, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा कई बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं ना, उनका दोनों माइंड काम करता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हो अपने रूम में, ठीक है, या बाहर अपने मदर फादर होस्टल में बात कर रहे हैं या कोई मेहमान वगैरह आ गए वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अंदर बच्चा पढ़ता हुआ उनकी बातों को सुन लेता है और बाहर जो बोलता है कि आप ये बातें कर रहे थे, तब पेरेंट्स होते हैं जब अपनी भाषा में वही बात को जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा था लेकिन उसके दोनों माइंड बराबर कर रहे थे, एक से वो पढ़ाई कर रहा था और दूसरे माइंड से उसने उसकी बातों को कैप्चर कर लिया। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी हमारे माइंड के दोनों के साथ वर्क करवा सकते हैं। कई सारे जैसे बिजली का स्विच बोर्ड देखा है आप लोगों ने, सभी ने देखा है ना, कितने बटन होते हैं। एसी का भी होता है, फ्रिज का भी होता है, टीवी का भी होता है, पंखे का भी होता है। एसी का दबाते हैं एसी चल जाते हैं, पंखे का दबाते हैं पंखा चल जाता है, और टीवी का दबाते हैं टीवी चल जाती है। लेकिन बोर्ड तो एक ही है। उसी तरीके से अपना जो माइंड है ना, इसमें माइंड दो है खोपड़ी के अंदर, लेकिन ये कई सारे साथ एक साथ कई काम कर सकते हैं, मानते हो उस चीज़ को। ये चीज़ कब होती है? ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जो क्लासें होती है, 10 डेज का जो वर्कशॉप होता है, उनसे ये बदलाव आता है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि आपकी याददाश्त तो बढ़ती बढ़ती है, एग्जाम के प्रति जो आपका डर रहा होता है वो तो दूर होता ही होता है, लेकिन लाइन फोल्ड करके यानी आंखों को बंद करके कलर आप पहचान सकते हो, नोट आप पहचान सकते हो, बुक आप पढ़ सकते हो, यहाँ कहीं सुन करके सब कुछ बता सकते हो आप। क्या आपको लगता है ऐसा लगता है? चलो कोई नहीं, मैं आपको अभी साबित करके बताता हूँ, क्योंकि हमें आज से आप इसको ऑरेंज बोलोगे, ठीक है। अच्छा ये कौन सा, इसको पहचान लो, कौन सा है? जोर से बोलो बेटा, ग्रीन, ये ग्रीन कलर है, आज से आप लोग इसको ग्रीन बोलोगे, ठीक है। अच्छा बेटा कहीं नहीं करते हैं ना, ये कौन सा कलर है? येल्लो, पहचाना ना, मान लो कि येल्लो बोलोगे ना। अच्छा बेटा ये कौन सा कलर है? ब्लैक, ये ब्लैक कलर है, ठीक है। अच्छा बेटा एक और, ये कौन सा कलर है? ये ब्लू कलर है, ठीक है ना। थोड़ा और देखते हैं, इससे आपको लग रहा है ना कि देख नहीं पा रही बुढ़िया, कन्फर्म है ये, मान रहे हो उसी को? बेटा ये देखो, ये क्या है, किसने कहा? जोर से बोलो, ये 10 रुपीज है, कितनी है? 10 रुपीज है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, मतलब स्टूडेंट आपकी स्कूल से बुलाने का यही मेरा मकसद था कि आप ये बांध लो कि वाक्य में कोटल लगाने के बाद में और पट्टी बांधने के बाद में दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन कौन सा कलर ये, तो ताली तो बजा दो बच्चा। ब्लू, ऑरेंज, रेड,
अगर किसी भी स्टूडेंट में ऐसा लगता हो कि मैं ये पढ़वाऊँ या ये बेचनाऊँ, आप ला सकते हो अपने हिसाब से ना, ऐसा नहीं, ये कलर हमारे हैं, आपके पास में कोई कलर्स हो, बुक्स हो वो आप दे सकते हो, नोट हो वो भी आप दे सकते हो। रेड व्हाइट ब्लू रेड ग्रीन येलो ब्लू इसका कलर और बताओ, जोर से बोलो कलर, इसका कलर रिमोना कलर रेड ग्रीन येलो ब्लू व्हाइट व्हाइट ब्लू रेड। मैम आप देख सकते हो टोटल लगा रखी, बोल नहीं सकता किसी भी चीज रिमोना कलर ब्लैक। आपको लगता है आपके दिल दिमाग में अगर ऐसा कुछ भी हो, बुक्स पढ़वा सकते हो, नोट दे सकते हो, थोड़ा शांत होंगे, आप सुनो भी क्या कह रहे हैं, क्या पहचान पा रहे हैं? रेड कलर का कैप है पेन के ऊपर। नहीं देखो ऐसा है, अभी फर्स्ट स्कूल के अंदर ही आए हैं, थोड़ा आप जानते हो नाइन बज के 10 मिनट। इस घड़ी में बात कर रहे हैं ना, आपकी घड़ी